विरती परे पुनः आपनको स्वागत करुछि। एबे आपण माने आपण मानकर प्रश्न पचारिबे, से प्रश्न सरे आमे विषय को आउटिके विशद भाबरे आलोचना करिबा। गुरुजी नमस्ते। सहिबा द्वारा लोक दुर्बल भाबे, या ठीक ना भूल? सहिबा द्वारा मनीष को लोके भाबिबे एटा दुर्बलटा, तेणु सहिबा द्वारा आमे दुर्बल बोली समाज रे परिचित होबा। तेणु कहीं दुर्बल बोली परिचित होबा, बर सबल हो दरकार, यह तो भावुंत आपण विजय चाहते ना पराजय चाहते? प्रत्येक लोक विजय चाहे। अच्छा, विजयटा चिरस्थायी चाहते ना क्षणिक चाहते? जन को जबरदस्त बड़ कथा कही सांगे सांगे पराजित करदे, किंतु जीवन सारा निजे पराजय हवा कौटा आमर दरकार? सर्वदा विजय दरकार। जदि सबुदिन जनकर हृदय को आप विजय करार अच्छी तेल सही जाओ न कह द्वारा से ही समय आप दुर्बल हो पारती, किंतु जीवन सारा आप सबल हो कहीं तात्कालिक अवस्था रे सहिबा खूब कम लोकंर द्वारा संभव हुए, साधक लोक बिना हो पार आपड़ जानते जड़े कहूँ मान मुरव रही ये साधना बिना संभव नुहे। तेणु साधक व्यक्ति ही केवल से ही व्यक्ति कहीपे, जो व्यक्ति कह मे जी जहाँ कहले भी सुधा मु तार प्रतिवाद करी ना, सुविधा सुजोग आसिले मु प्रतिवाद करी छाड़ी ना, कथा बुझे कि मु छाड़ी ना किंतु वर्तमान कह मो कथा बुझीपारे ना। माली सबुदिने गच्छरे पानी दिए, किंतु फल समय अनुसार फले ना सबुदिने फले? एटा जे मूर्खता लोक जे कथा कहले सांगे सांगे प्रतिवाद करे, बुझिपार? आम समय को अपेक्षा करवा एपरी फल दबा आम लोक कौन कहते नई पड़ी थी जिते बड़े विद्याटी मारू से तुम नई अवस्था आस नई लेते कहले लाभ ना बर्तन कहले भाभी था सहिबा लोक दुर्बल नुहे, सहिबा लोक बहुत सबल, बुझिपार? प्रणाम। सहिबा अपेक्षा जदि जी जन भूल करुच्छे आम भूलटा कहवा द्वारा सी भूलटा जापर से आम भूलटा कह ठीक हम कि सहिबा अपेक्षा जदि कहीद से भूलटा बुझीपर एटा भल कथा, कितु मैं गोटे कथा कह बुझे उचित। आपण मैंने सब घरे काम करुवे, आप बेले बेले पिठा करेंगे किंवा कढ़ा गोटे तरकारी रांधे, गरम कढ़ा गरम तावे जदि आप पानी टिके पकईदे से रहा उड़ीज। आपण जदि पानी को रखा को चाहू था तेल कौन करवा दरकार? कढ़ा को थंडा हवा दरकार, कौन बुझ्त? तेणु जो लोकटा आपन को कहूँ से गरम थी ना थंडा थी शीतल थी से कहले कौन हम आपण कथा उड़ीज ना रो? आपन जब ता हृदय स्थायी भाव में बसा करने को चाहूंता थंडा करने को दिखते, कितु कह छाड़ू ना मुझे कहू नहीं आप कह बोली आप कह आवश्यक, किंतु कह कते कह जत शीतल अर्थ जत तार से परिस्थिति चल जाए भलि बुझा दरकार। अत्यंत उन्नत बिहन को आप गोटे पड़िया बिल पकेबे, आपणकर उन्नत विचारटा को गोटे राग बेले जन गोटे पड़िया बिलटार कहीं पकेबे? से जो रागी जिते बिलटा बर्तमान पड़िया ना प्रकृत उर्वर पड़िया बिलटार उर्वर जमी बिहन कहीं पकेबे? उर्वर बिहन पकेबापी उर्वरता को अपेक्षा करा पड़ो, से चाषीटे तीन थर हल कै मटी भांगे मटीटा गुंड करहन पकाए ना आ मुझे बुझे मुझ मना करूना, कि कहवाई समय अपेक्षा करने आवश्यक। गुरुजी प्रणाम। जो लोग प्रत्येक कथा को सह जाए सहीबाटा उचित ना नहीं उचित नुह? आपण प्रश्न थी जो लोग सही जाए से पांच लोक कथा शुणे आ तो माँ ते खावाक दे नहीं रही कौन बुझना गोटे दुर्बल बोली सही गलु ना आते जे तोर था शक्ति था तो छाड़ देक आसता ना पांच लोक कथा शुणती ना आज्ञा? आपण पांच लोक कथा शुणी आपण जदि प्रकृत प्रतिवाद करिवे से पांच लोक आपन को विपद पड़ता बेल ठिया हे तो तेणु आपण बेक आपण विचार आपण बुद्धि और आपणकर धैर्य आपण को ही रक्षा कर, बुझिपार कथा को? अनेक लोक परामर्श आप जानते ना रोग टिके हेले सब डाक्तर हो जाते, विपदर पड़े सब वकिल हो जाते। आप देखिए सब लोग विभिन्न परामर्श देव इमि करते सेमती करते सेमती बहु लोग बहु कथा कहे आरे अन्य कथा एत प्रभावित हवा अपेक्षा निजर विचार निजर बुद्धि निजर अत्यंत अनुभव सहित काम करने दरकार, किए कौन कह सहित संपर्क ना। गुरुजी प्रणाम। मु कृष्ण दास। गुरुजी मोर प्रश्न अच्छी सहिबा द्वारा आमर कौन लाभ हम
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସହନଶୀଳ ହୋଇପାରିବା। ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଏ ବିଚାରରୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରୁ ଜାଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷ କଥା କହୁଛି, ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବନଯାକ ଜଣକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଉପରକୁ ହୋଇପାରିଲେ, ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ଆପଣ ସମାନ ହୋଇଯିବେ, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସମାନ ହେଲେ ନା କମ୍ ବେଶୀ ହେଲେ? ଆପଣ ସହିଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ କହିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁତାପ କଲା ଯେ ମୋ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଛି। ଭୁଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନମ୍ର ହେଲା, ନଇଗଲା ନା ଉପରକୁ ଗଲା? ତାହେଲେ ସବୁଦିନେ ଆପଣ ଯଦି ଉପରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଟିକିଏ ନଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧାରେ କ'ଣ? ଫଳଟା ବା ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଫଳଟା ଯେତେବେଳେ ପାଚିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ, ଗଛଟା ନଇ ଆସେ ନା ଗଛଟା ସିଧା ଉପରକୁ ପଳେଇଯାଏ? ସିଏ ପା କହେ ମୁଁ ନଇଗଲିଣି ତୁମେ ଏବେ ଖାଅ, ଆମେ ନଇଗଲେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ନଇ ଯାଆନ୍ତି ନା? ନ ନଇଲେ କେମିତି ଆମର କଥାରେ ସମାଜରେ ଯେ ନଇଛି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, ଯେ ନଇ ଯାଇଛି ସେ ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନଇ ଦେଇଛି, ଦିନେ ସମୟ ଆସିଛି ତା ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଥରେ ନମ୍ର ହେଇଛି ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନମ୍ର କରାଇବାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସହିବା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ, ୟାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ। ସହନଶୀଳତା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ସେ ସାଧକମାନଙ୍କ ବିନା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ସାଧକ ହେବା ଏବଂ ସାଧନାର ସ୍ତରରେ ରହିବା, ମୋର ବିଚାର ସହନଶୀଳତା ରୂପକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ସହାବସ୍ଥାନର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ସହନଶୀଳତା ଭଳି ଭଲ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଦେବତାରେ ପରିଣତ କରିବ।